राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कान्हा जी का प्रिय प्रसाद धनिये की पंजीरी और पंचामृत बनाने की रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ आज हम और आप मिलकर बनाते हैं कान्हा जी का प्रिय भोग धनिये की पंजीरी और पंचामृत। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस को कर लीजिए ऑन और एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दीजिए। कढ़ाई में डाल देना है साबुत धनिया। धनिया को पहले अच्छे से साफ करके छान कर लीजिए, कोई भी डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। धनिया को यहाँ पे बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखिए। धनिया यहाँ पे भुन गया, इसे बाहर निकाल लीजिए और इसे ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए। अभी उसी कढ़ाई में हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के देसी घी। घी को यहाँ पे मेल्ट होने दीजिए। जब घी मेल्ट हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है मखाना। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी मखाने को कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखाना यहाँ पे क्रिस्पी हो गया, बस इसे बाहर निकाल लीजिए। अभी सेम कढ़ाई में फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच भर के देसी घी। अभी घी जब मेल्ट हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है कटे हुए बादाम और काजू को। काजू और बादाम को भी यहाँ पे फ्राई करके निकाल लीजिए। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी इसे बाहर निकाल लीजिए। अभी उसी कढ़ाई में हमें डाल देना है थोड़े से किशमिश को, और किशमिश को भी यहाँ पे फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये गया अभी किशमिश, अभी इसे भी फ्राई करके यहाँ पे निकाल लीजिए। ये भी बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है, इसलिए इसे फटाफट से भूनकर निकाल लीजिए। अगर कढ़ाई में घी ना हो तो यहाँ पे फिर से 1 चम्मच घी आप डाल सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में घी है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अभी इसमें डाल दीजिए पिसे हुए धनिया को, और धनिया को लो फ्लेम पे हमें तब तक भूनना है जब तक धनिया से सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे। और इसे भूनने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि धनिया को पहले ही हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। तो धनिया भून गया है, गैस को यहाँ पे कर दीजिए बंद और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अभी फ्लेवर के लिए इसमें डाल दीजिए 3 से 4 पीसी हुई हरी इलायची, और साथ में डाल दीजिए यहाँ पे पीसी हुई शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा या कम कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे पीसी हुई मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। अभी फ्राई किया हुआ मखाना इसमें डाल दीजिए, काजू बादाम और साथ में किशमिश भी। अभी सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी धनिया की पंजीरी भी बनकर यहाँ पे रेडी हो गया है, अभी इसे साइड में रख दीजिए। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए। अभी इसमें डाल देना है सबसे पहले यहाँ पे गंगा जल। अभी इसमें डाल दीजिए गाय का कच्चा दूध। जब कभी भी आप पंचामृत बनाते हैं तो कच्चे दूध का यूज करिए और गाय का दूध ही होना चाहिए। अभी इसमें डाल दीजिए घर का फ्रेश जमा हुआ दही, और दही यहाँ पे मीठा आपको लेना है, खट्टी दही का यूज नहीं करना है। अभी इसमें डाल दीजिए शक्कर, और 1/2 चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए देसी घी, और साथ में डाल दीजिए यहाँ पे हनी यानी मध। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया है। तो अभी हमारा यहाँ पे पंचामृत भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट से अभी हम जन्माष्टमी के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेट में रख दिया पंचामृत, अभी साथ में रख दीजिए धनिये की पंजीरी, थोड़े से मिठाई भी रख दीजिए, और साथ में रख दीजिए थोड़े से सूखे मेवे, और जो भी फल आपके पास है वो भी साथ में आप रख दीजिए। लेकिन कहते हैं ना, 56 भोग एक तरफ और एक तुलसी का पत्ता एक तरफ। इन सारी चीजों पे भारी पड़ता है एक तुलसी का पत्ता। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो 56 भोग भी व्यर्थ हो जाता है। तो अभी हमारा कृष्ण जन्माष्टमी थाली बनकर बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है। जब कभी भी आप कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तुलसी का एक पत्ता तो जरूर रख दीजिए। तो अगर आज का वीडियो और रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दीजिए अपना ढेर सारा प्यार लाइक और शेयर करके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।